नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं स्वाति, और आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। महालक्ष्मी ज्वेलर्स में हुई लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार। थाना लाइन बाजार बदलापुर स्वाट टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना लाइन बाजार अंतर्गत महालक्ष्मी ज्वेलर्स में बीती 31 अक्टूबर की रात में लूट की घटना कारित करने वाले दो शाते लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से लूटा हुआ सामान व 3,82,350 रुपए नकदी सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पिस्टल, तमंचा व कारतूस बरामद। दोनों लुटेरों अमरीश सिंह एवं अभिषेक सिंह ने गिरफ्तारी से पहले पुलिस पर असलहे से फायर भी किया। आपको बता दें कि बीती 31 अक्टूबर को ज्वेलरी शॉप के अंदर सतीश सिंह, तपन मिश्रा, ब्रजेंद्र उर्फ प्रिंस, ऋषभ सिंह गोलू, अमरीश सिंह, हरिओम उर्फ ब्रजे सिंह तथा बाहर रेकी और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अभिषेक सिंह व शिवम सिंह मौजूद थे। घटना करने के पश्चात तीन मोटरसाइकिलों पर सवार उक्त सभी लुटेरे लाइन बाजार चौराहा PWD गेस्ट हाउस होते हुए बेलाब घाट पहुंचे, जहां सारा माल सतीश सिंह लेकर पहले से खड़ी काली स्कॉर्पियो बिना नंबर में रख कर वहीं पर अमरीश सिंह को 3,50,000 रुपए आपस में बांटने के लिए दिया, ताकि जब तक माल को ठिकाने नहीं लगा दिया जाता सभी लोग तब तक शांत रहेंगे। यहां से सभी लोग अपने अपने साधनों से प्रस्थान कर गए। अभिषेक सिंह द्वारा रेकी करने के लिए उसे सतीश सिंह ने 1,00,000 रुपए उपलब्ध कराया था। लक्ष्मी ज्वेलर्स फिल्म है और उसमें हम लोगों ने कई टीमों का गठन किया और मुखबिरों की सूचना पर सर्विलांस की मदद से और तमाम वैज्ञानिक जो एविडेंसों के आधार पर हम लोगों ने इस गैंग को ट्रेस किया। ये सतीश और विकास घोड़े गैंग है, इसके मेंबर हैं और इस गैंग को संरक्षण देने में मुफ्तीगंज के ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह और उनके प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण भूमिका रहा और इसमें से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो है इनसे 3,82,350 रुपये बरामद हुए हैं। एक पिस्टल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और कुछ जो गहने जो अपने साथ ले गए थे वो बरामद हुआ है। अभी इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये करोड़ों का लूट है और 3,00,000 रुपये बरामद हुआ, इसलिए काफ़ी लेट भी हुआ है। और इसमें देखिए, जो गैंग है बहुत ही सातिर किस्म का है और उन पर दर्जनों मुकदमे कायम हैं और वो लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और उन्होंने अलग अलग जिलों में अपराध भी किया है, तो ये अंतर जनपदीय गिरोह है और इसमें जो है हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उनको आम आ रही है। इसमें विनय सिंह ब्लॉक प्रमुख का भी नाम आया है, बिल्कुल। तो क्या उनकी नजदीकिया जो भाजपा, क्या आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं, राजनीति दबाव नहीं है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं है? नहीं, गिरफ्तारी का हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उनको हम गिरफ्तार करेंगे और ऐसा कोई दबाव या कोई दिक्कत नहीं है। ये उनकी प्रमुख भूमिका हुई है और हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। ये देखिए, विवेचना का विषय है और इसमें जो है हम लोग अभी विवेचना चूँकि प्रचलित है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता सकता और जो है हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24 इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।